खबर सवाई माधोपुर से। अवैध मछली खनन करने वाले माफियाओं ने पुलिस पर किए ताबड़तोड़ हमले। बौली थाना में मामला दर्ज। उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर रोकथाम के प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए हैं। क्षेत्र में एक बार फिर से बजरी माफियाओं की दबंगताई नजर आई है। प्रशासनिक टीम पर माफिया के हमले मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं। अवैध बजरी परिवहन के रोकथाम के लिए की गई बौली पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ है, जिसमे हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम और दो सिपाही चोटिल हुए हैं। दरअसल हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम में जाप्ते हिंदूपुरा गांव में निर्माण अधीन सिक्स लाइन शुरू की और हाईवे पहुंचे थे, तभी वहां से निकल रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की जा रही थी। 8 से 10 व्यक्ति लाठी डंडे लेकर आए और जाप्ते पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। अचानक से ताबड़तोड़ हमले के बाद पुलिस कर्मी बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागे और थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम ने बताया कि वह जब अवैध बजरी परिवहन रोकथाम हेतु हिंदूपुरा के निर्माण अधीन सिक्स लाइन हाईवे पर पहुंचे थे, तो वहां दो ट्रैक्टर महिंद्रा और उनके साथ 8 से 10 व्यक्ति लाठी डंडे लेकर जाप्ते के पास आए।